यार रितु, आज क्या होगा मेरा? क्यों रे, क्या हुआ तेरे को? तू क्यों इतना टेंशन ले रही? अरे कुछ नहीं रे रितु, आज रिजल्ट है ना, इसलिए मनाली डर रही है। तू डर मत यार, यहाँ पे सबको पता है कि तेरा ही पहला नंबर आने वाला है। हाँ। उसका कुछ नहीं रे, 95 अबो चाहिए, नहीं तो पापा स्कूटी लेके नहीं देंगे। ओह अरे यार, सिर्फ अच्छे नंबर आने चाहिए। अरे फिक्र नाट, अपने को तो अच्छे नंबर आने वाले। ए भगवान, मुझे बस पास करा दे, नंगे पैर तेरे मंदिर आऊंगा। ए सुन, अगर मैं पास हो गया ना, मेरे तरफ से सबको ट्रीट दूंगा। अरे सर, रिजल्ट लेके आ रहे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। रिजल्ट का भाव दिख रहा है सभी के चेहरे में? सभी ने अच्छे पेपर भी लिखे हैं, अच्छे मार्क्स भी आए, स्पेशली गर्ल्स, वेरी गुड, कीप इट अप। पर हर समय की तरह दो बच्चे फिर से फेल हो गए हैं। बताओ कौन रहेगा वो? करेक्ट, सुमित, पृथ्वी, खड़े रहो, खड़े रहो, बोला ना, फिर से फेल हो गए हो। यहां आओ और आते समय आई कार्ड लेके आओ, चलो जल्दी। हमेशा फेल होते रहते हो, चलो आई कार्ड दो, आई कार्ड दो, बोला ना, दो आई कार्ड। हेलो, क्या मैं पृथ्वी के पेरेंट्स से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं उसके स्कूल से विजय सर बात कर रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली वो फेल हो गया है, वो मैं आपको बोल नहीं सकता, आपको आना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, आप कल आ सकते हैं। पृथ्वी, क्या करूं मैं, मेरा बाप मेरे को मार डालेगा यार। तेरा छोड़ यार, मैं तो सोच सोच कर ही पागल हो गया हूं, घर पे जाके मेरा क्या होगा। हाँ यार, क्या करने का फिर, भाग जाने का कहीं पे? अरे पागल है क्या, भागेंगे किधर, खाएंगे क्या, रहेंगे किधर, पैसे है अपने पास? हाँ यार, क्या करने का फिर? तो सुन, पहले ऐसे जाते, चल चल निकलते फिर इधर से। सुमित, वो देख साधु महाराज, चल जाएंगे, कुछ तो हल निकलेगा। हाँ चल देखते। नमस्ते महाराज। क्या हुआ बच्चों, कुछ परेशान लग रहे हो? महाराज हम बहुत परेशान हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? महाराज आज हमारा रिजल्ट था और हम दोनों भी फेल हो गए और घर जाने से डर रहे हैं। देखो बच्चों, ये पास होना फेल होना ये सिक्के के दो पहलू है, जिंदगी में हार जीत तो होती रहती है। जाओ घर जाओ, कठिन परिश्रम करो। नहीं महाराज, अगर आज हम घर गए तो माँ बाप नहीं छोड़ेंगे। देखो बच्चों, जिंदगी में हमेशा दो रास्ते आते हैं, एक रास्ता आसान होता है तो दूसरा मुश्किल। आसान जो रास्ता होता है वो शुरुआत में अच्छा लगता है। नहीं महाराज, हमें आसान ही रास्ता चाहिए। अरे पर बच्चों सुनो तो सही, आसान जिंदगी जीनी है। ठीक है बैठो यहाँ पर, तुम्हें आसान जिंदगी का अनुभव कराता हूँ। हेलो पृथ्वी। हाँ कहाँ पे तू? कुछ नहीं रे, घर पे हूँ, कट्टे पे आके मिल।
पृथ्वी। हाँ माँ। कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहे हो। अरे तुम्हारे सर का फोन आया था कि तुम फेल हो चुके हो। नहीं माँ, वो पृथ्वी पार्ट करता। चलो मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो, अपना टिफिन को लेके जाओ। शायद चला गया, सुनता ही नहीं है। क्या हुआ रे, वो पक्या का मैटर? कुछ नहीं रे, देखेंगे वो, तू छोड़ना। अरे क्या देखेंगे देखेंगे यार, कितने दिन हो गए। मैं जाऊँ क्या? मैं हूँ ना इधर, तू काय को टेंशन ले रहा? तू काय को जाता है सन्या भाई है ना, तू काय को टेंशन ले रहा? ए वो देख सन्या भाई बंटे चल जाते। ए मत जा उनके पास, ए तेरे पास अच्छे बच्चे नहीं है। ऑप्शन है कुछ, घर भी नहीं जा सकते, स्कूल भी नहीं जा सकते, मैं तो जा रहा। अरे यार, अरे रुक, मैं भी आ रहा। आ जा। ए इधर आ रहे, इधर आ। क्या कर रहे इधर, स्कूल नहीं गए? नहीं भाई, हम दोनों भी फेल हो गए और घर से झूठ बोल कर आए। तुम लोग सही जगह पर आए, ये स्कूल बिल कुछ नहीं रहता। बारिश आ रही है बंटे, आसान है चल। अरे पृथ्वी, अरे ये स्कूल मिल कुछ नहीं आता रे। देखा हमारी तरफ, कभी स्कूल गए क्या? नहीं ना, स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा। फिर भी जी रहे ना मजे से, कर रहे ना ऐश। स्कूल कुछ नहीं रे, ये देखो, ये ना, ये तुम्हारा स्कूल। संभव उधर है, ये आए उसमें तुम बच्चे। फिर क्या होता है, ये एक सर आता है, वो तुम्हें किस किस कर इंग्लिश हिंदी मराठी सब सिखाते हैं। बीच बीच में तुमने मस्ती भी की, उनको मारता भी है। फिर आते हैं तुम्हारा एग्जाम, जो बच्चे पास होते हैं उनको उठा लेते हैं और तुम जैसे बच्चों को फेल कर देते हैं। फिर क्या, जो बच्चे पास होते हैं वो जाते हैं अगले क्लास में। चलो अभी तुम लोग करके दिखा। नहीं नहीं भाई, क्या सन्या भाई? भाई लोग। और मामू क्या बोलते, सब ये दो पंटर लोग को लाया है, कुछ माल पानी है कि नहीं? अरे है ना। अरे नहीं भी रहेंगे तो ला लेंगे ना, कहीं कोई बात खाता तू। चल चल बैठो रे लटपड़, बैठ। क्या बोलता भाई के पास आया तू? बस लाइफ सेट हो गई तेरे, और कुछ नहीं। खाली हाथ तो नहीं जाएगा। मनाली स्कूटी मिली क्या तेरी? हेलो,
चले उठ, मेरे को बैठने का है। निकल चल, साला मामू को बैठने दे, चल निक निक, सर साला चल 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 बैठने दे भाई। ए लाइट लगा चल, ए गाने वाले बजाना जरा। क्या मारा ना भाई पृथ्वी को, हाँ क्या भंगा रुका पिला रहे यार तुम लोग, दारू वारू लेके आओ ना। चल ठीक है, अपना सुमित भाई जिंदा है ना, वो कब काम आएगा। हाँ तो लेके आना उससे। ए सने भाई चल चल लेके आएंगे चल। अरे सने भाई को मत लेके जाओ, उसका दिमाग गर्म है। दारू वारू पीने के लिए पैसा है कि नहीं? नहीं ना भाई। ऐसा बोलेगा तो कैसा चलेगा रे, उस दिन तो बराबर पिया। हाँ झूठ बोल रहा है सनिया भाई, देख झूठ बोल रहा है। कैसे हो ये, कैसे हुआ? एक काम कीजिए, इन्हें यहाँ पर लेटा दीजिए। पेशेंट के साथ कौन है? अंदर आ जाइए।
पहले मुझे ये बताइए, ये हुआ कैसे? वो एक्सीडेंट हुआ था। मुझे ये लगता नहीं है, इन्हें मारा है। नहीं नहीं, एक्सीडेंट था। नहीं, ये कोई एक्सीडेंट केस नहीं है, ये पुलिस केस है। यहां पर देखिए आप, इनके पेरेंट्स को आपको बुलाना पड़ेगा। वो नहीं, वो काम पे रहते हो क्या? आप इनके पेरेंट्स को जानते? क्या उनके पास आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? मुझे उनसे बात करनी है। कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए। दुनिया से दूर चला है तू, सिर पर बिठाने वाली माँ का गुनहगार है तू, दुनिया से झगड़ने वाले बाप की मरी हुई आशा है तू, सबको फंसाकर चला है तू, समाज में कलंक बनने चला है तू। जी के भी तुमने माँ बाप की आंखों में आंसू बिछा दिए, तेरी मौत ने भी उनके दिल पर घाव कर दिए। क्या यही है तुम्हारी आसान दुनिया, जिसके लिए तुमने ये गलत रास्ता अपना लिया? ये यार, अपन जिंदा है। ये आसान दुनिया बहुत खतरनाक है यार। हम अभी से बहुत मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे और मम्मी पापा के नाम रोशन करेंगे, और गलत काम कभी नहीं करेंगे और किसी को करने भी नहीं देंगे।